खबर मुंबई से, मुंबई के मानकूर्द के मंडाला से। पत्रकार दिवस के मौके पे पत्रकार एकता फाउंडेशन ने कवि सम्मेलन व पत्रकार सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें देश के बहुचर्चित संस्था भारतीय पत्रकार सुरक्षा परिषद की ओर से सभी पत्रकारों को सम्मानित कर सम्मान पत्र दिया गया। इस समारोह में साहित्य व कवि व वरिष्ठ पत्रकारों की उपस्थिति रही। वही पत्रकारों के जनहित कार्य व समाज के प्रति बलिदानों की सराहना की गई। कहा गया कि देश को जागरूक एवं भ्रष्टाचार मुक्त रखने का काम इनकी कलम, इनकी आवाज करती है। माना दूर है मंजिल, राहों से न घबराना। बहुत कुछ पा लिया हमने, बहुत कुछ खो दिया हमने, बहुत कुछ पा लिया हमने, बहुत कुछ खो दिया हमने। उम्मीदें फिर भी जिंदा हैं कि सब कुछ फिर से पा लें। सुनी अनसुनी, कही अनकही, वक्त के मंच पर एक कथा है शहादत। सुनी अनसुनी, कही अनकही, वक्त के मंच पर एक कथा है शहादत। वतन के लिए जीना, वतन के लिए मरना, वतन के लिए जीना, वतन के लिए मरना, इससे ज्यादा क्या होगी इबादत। इस कार्यक्रम में अगर कुछ बाकी कमी रह गई हो, मैं आपको सबसे हाथ जोड़ करके क्षमा प्रार्थी हूँ। वो साहब, पहली बार अपने जीवन में कार्यक्रम किया हूँ, ये मधुरा जी की वो है आशीर्वाद है, और अपना उसके साथ उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। हमारे भाई ने शुक्ला जी की पैकिंग की वजह से मैं आज यहाँ तक आया। आप लोगों से हाथ जोड़ के अगर कुछ कमी है तो भाई मुझे माफ कर देना। लेकिन हाँ, जो पत्रकार होने के नाते पत्रकार भाइयों की आवाज़ उठाता है, ये है नेशनल प्रेस डे है। आप सबको जो यहाँ पर इंटरव्यू कर रहे हैं, फोटोग्राफी कर रहे हैं, उन सबको बहुत बहुत बधाई हम सबकी ओर से। बात नंबर दो कि आज जो यशपाल शर्मा ने जो एक बड़ा कार्यक्रम मानपुर में, ठीक है हो सकता है वॉल्यूम में कम दिखे, 200-250 लोग नहीं हों, मगर अगर यहाँ 60-70 लोग भी रहे आते जाते में, तो ये एक बड़ा कार्यक्रम था। और पत्रकारिता दिवस पर तमाम पत्रकारों को, पत्रकार लोगों को जो इन्होंने प्रमाण पत्र दिए, वो हमारे हाथ से या मधु जी के हाथ से या नीलमा जी के हाथ से वो दिए, हमें हम लोग को भी गौरव महसूस हुआ। और पत्रकार एकता फाउंडेशन हर 2 महीने में एक कार्यक्रम करता रहता है। पत्रकारों की लड़ाई लड़ने के लिए हमने ये संस्था बनाई है, और पत्रकारों की लड़ाई भी काफ़ी लड़ी जा रही है, क्योंकि हर पत्रकार का समय एक ऐसा आता है कि जब उसके खत्म, कोरोना काल ने बहुत कुछ सिखा दिया है। पत्रकार मेहनत करता है तब तक रहता है, ना उसको पेंशन है ना कुछ है, तो हम पत्रकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि कम से कम अगर कुछ हो जाए तो उसको एक पेंशन सरकार ला चुका। हमारे यादव जी सहयोगी है, नेता भी है, बड़े समाज सेवक भी है, उनके माध्यम से हम सरकार की बातें पहुँचा रहे हैं कि पत्रकारों को कुछ ना कुछ लागू किया जाए पत्रकारिता के लिए, ताकि चाहे छोटा पत्रकार हो या बड़ा पत्रकार हो, उसका घर चलना चाहिए, और या उसके कुछ हो जाए उसके परिवार के कम से कम उसकी घर वाली को एक नॉर्मल पेंशन तो मिलना चाहिए, क्योंकि सिर्फ फोटो खिंचा लेने से या 25-50 लाख का देने के लिए किसी पत्रकार के लिए सब हम लोग नहीं करते हैं। हमें चाहते हैं कि पत्रकार का जीवन एक सही तरीके से चले, इसलिए और हम सब आपको फिर से आयोजन करेंगे न्यू बॉम्बे पनवेल में जल्दी कार्यक्रम, वहाँ सबको बुलाएंगे। इस प्रोग्राम में इस कार्यक्रम की त्रुटियाँ काफ़ी हो गई है, क्योंकि कार्यक्रम अचानक रखा गया, समय बदल गया, दिन बदल गया, इसलिए कोई बात नहीं, एक कार्यक्रम का आयोजन करना ही आज के समय में बहुत बड़ी बात है, इसलिए यशपाल शर्मा जी उसके धन्यवाद के पात्र हैं। कोई भी कार्यक्रम हो उसमें कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, उसको आगे सुधारा जाता है। मैं सभी को संस्था की तरफ से नीलमा पांडे जी, सिंह जी, मधुराज जी, आर्यन यादव जी, अभिलाष अवस्थी और भी आए हुए कवियों का तहे दिल से एक बार फिर से उनसे क्षमा मांगते हुए, और अगले कार्यक्रम में उन्हें पूर्ण संतुष्टि के साथ हम एक कार्यक्रम का आयोजन करेंगे, ये उनको वादा करेंगे। धन्यवाद। मेरे सामने पत्रकारों का सम्मान हुआ, और पत्रकार एकता फाउंडेशन को मैं धन्यवाद दूंगा, टीम को धन्यवाद दूंगा, और मैं पुनः अपनी इस बात को याद दिलाना चाहूँगा कि पत्रकार पत्रकार होता है, उसकी भी सामाजिक जिंदगी है,
और सामाजिक जिंदगी उसकी सुचारू रूप से चले, इसके बारे में मैं शुक्ला जी को 3 महीने से कह रहा हूँ कि कोई व्यवस्था बनाया जाए और इस कड़ी में हम आगे चल करके 1 हफ्ते के अंदर कुछ न कुछ बना करके, योजना बना करके पत्रकार एकता फाउंडेशन के माध्यम से पत्रकारों को देंगे। दिवस के अवसर में तमाम जो हमारे पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट हैं, लेखक हैं, कवि हैं, कवित्री हैं, चिंतक हैं, सबको एक संदेश चंद लफ्जों में देता हूँ कि तालीम दो उन बेकसों को, तालीम दो उन बेकसों को जो सितम में सर उठा लेते हैं, तालीम दो उन बेकसों को जो सितम में सर उठा न सके, सलामी दो उन लाशों को जिन्हें हम दफना न सके, लगाम दो उस बर्बरियत को खून पीना जिसकी आदत है, क्या बात है, लगाम दो उस बर्बरियत को कि खून पीना जिसकी आदत है, मोहब्बत का सिला दो उनको जिनका दर्द हम सहारा सकते। मैं फैसल खान, क्या पत्रकार बनना चाहते हैं? अगर आपके अंदर है सच सामने लाने का साहस, हम देंगे आपको मौका सच सामने लाने का। पूरे इंडिया न्यूज आपको दे रहा है मौका आने वाले समय का, देश के नंबर 1 न्यूज चैनल के साथ पत्रकारिता के गुण सीखने का, तो तुरंत संपर्क कीजिए। मैं फैसल खान, टू इंडिया न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूँ।